दोस्तों, कोई भी टॉपिक हमारे लिए पढ़ना कब आसान हो जाता है? जब हम पहले उस टॉपिक की थ्योरी कंप्लीट करें, ठीक है? पहले थ्योरी कंप्लीट करने के बाद फिर उसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या एमसीक्यू क्वेश्चंस वगैरह को लगाएं, ठीक है? तो वो टॉपिक हमारे लिए पढ़ना आसान हो जाता है। तो ऐसा ही टॉपिक आज हम एक डिस्कस करने वाले हैं जो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का है हमारा, जो है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है? जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ये टॉपिक है फ्रेंड्स, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसका दूसरा नाम होता है मेरा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का, जिसको मैं बोलता हूँ ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है? ये भी आपने पढ़ा होगा, इस नाम से ये टॉपिक पढ़ा होगा, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है? तो जो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, तो फ्रेंड्स नाम से क्लियर हो रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी कर्व की बात हो रही होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम कर्व की बात करें, तो ये जो कर्व बनता है मेरा, वो पार्टिकल्स के डाया के बीच, ठीक है, जो भी पार्टिकल्स का डायामीटर होगा एमएम में, उसके बीच बनेगा। और जो भी मेरा परसेंटेज फाइन बाई वेट, क्या है, जितना भी सॉइल मेरा क्या होगा फाइन होगा, वो हम वेट के परसेंटेज में निकालते हैं, उन दोनों के बीच क्या होता है, ये मेरा डायग्राम ये कर्व जो होता है प्लॉट होता है, ठीक है? तो फ्रेंड्स इसकी हेल्प से हम करते क्या है, कर्व की हेल्प से, इस कर्व की हेल्प से हम पता करते हैं टाइप ऑफ सॉइल का। इस कर्व की हेल्प से हम पता करते हैं टाइप ऑफ सॉइल का। टाइप ऑफ सॉइल का मतलब ये हो गया कि वो सॉइल जो है मेरी, वो कोर्स ग्रेन सॉइल है या फाइन ग्रेन सॉइल है। इसका जो हम पता करते हैं वो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से या फिर ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से पता करते हैं, ठीक है? तो इस कर्व में होता क्या है फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हम इस कर्व को बनाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, इस तरीके से मेरा कर्व होता है। शुरू में जो डिफाइन करते हैं हम, इसमें कोर्स ग्रेन सॉइल को डिफाइन करते हैं, और बाद में जो डिफाइन करते हैं वो फाइन ग्रेन सॉइल को डिफाइन करते हैं, ठीक है? तो इसमें कर्व होते हैं कुछ इस तरीके से, मेरे कर्व ड्रॉ होते हैं, कुछ स्टीप्स होते हैं, ठीक है, कुछ इंक्लाइंस कर्व होते हैं। तो फ्रेंड्स आपको इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी, अगर मेरा कर्व जो होगा वो स्टीप होगा, अगर कर्व जो होगा वो कैसा होगा, स्टीप होगा, तो आपको ध्यान रखना है वो जो बताएगा पुअरली ग्रेड सॉइल को बताएगा। किसको बताएगा? पुअरली ग्रेड सॉइल को बताएगा। ये क्वेश्चन बनता है आपका, अगर आपकी जो कर्व होगा वो स्टीप होगा तो पुअरली ग्रेड सॉइल को बताएगा, और वहीं पे अगर कर्व आपका क्या होगा, इंक्लाइंड होगा, कर्व आपका क्या होगा, इंक्लाइंड होगा, तो आपकी वेल ग्रेडेड सॉइल को बताएगा, ठीक है? तो फ्रेंड्स पुअरली ग्रेडेड सॉइल और वेल ग्रेडेड सॉइल दो टर्म्स हमारे पास आए हैं। तो फ्रेंड्स मैं बता दूँ, वेल ग्रेडेड सॉइल जो होता है उसमें क्या होते हैं, जो मेरे पार्टिकल्स होते हैं ना, वो डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के होते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के होते हैं। लेकिन अगर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड या फिर मैं पुअरली ग्रेडेड की बात करूँ, तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो सेम साइज़ के होते हैं। लगभग जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेम साइज़ के होते हैं, ठीक है? एक पॉइंट तो आपको ये याद रखना है, ठीक है? फिर फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, दो टर्म्स आपने देखे होंगे जो जनरली मेरे यूज होते हैं, एक सी यू होता है और एक सी सी होता है। एक कोफिशियंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होता है, एक कोफिशियंट ऑफ कर्वेचर होता है। तो फ्रेंड्स कोफिशियंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी जो होता है वो तो उसकी ग्रेड के बारे में बताता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जो कोफिशियंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होगा वो ग्रेड के बारे में बताएगा, और जो कोफिशियंट ऑफ कर्वेचर होगा वो आपका शेप के बारे में बताएगा, कि जो पार्टिकल्स है सॉइल का उसकी शेप कैसी है। और जो कोफिशियंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होगा वो ग्रेड के बारे में बताएगा, ठीक है? दोनों के फॉर्मूले क्या होते हैं वो आगे क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक से जितने भी मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। और फ्रेंड्स एक टॉपिक इतना मतलब हॉट टॉपिक है कि यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही है, जो जूनियर इंजीनियर एग्जाम हो गया या फिर एई का एग्जाम हो गया, ठीक है? तो साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक करके मुझे मोटिवेट करते रहें और वीडियो को कंटिन्यूअसली शेयर करते रहें, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन हमसे क्या कह रहा है कि आ सॉइल सैंपल मे बी वेल ग्रेडेड, यानी कि फ्रेंड्स हमसे कह रहा है कि एक सॉइल सैंपल आपका वेल ग्रेडेड कब होगा, इफ़ यानी कि यदि, इफ़ इट हैज़ मोस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सेम साइज, अगर किसी भी सॉइल में सैंपल में जो पार्टिकल्स हैं वो सेम साइज़ के हैं तो हम उसको वेल ग्रेडेड कहेंगे। या फिर ऑप्शन बी कह रहा है कि एक्सिस ऑफ द सर्टेन पार्टिकल्स, यानी कि उसमें जो कुछ पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में होने चाहिए। या फिर गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ऑल साइज, यानी कि वेल ग्रेडेड सॉइल जो होगी वो तब होगी जब उसमें गुड रिप्रेजेंटेशन होगी पार्टिकल्स के ऑल साइज के, ठीक है? हर एक साइज के मेरे पार्टिकल्स होंगे यार, ठीक है? फिर ऑप्शन डी में कह रहा नन ऑफ द मेंशन अबव, यानी कि ऊपर जितने मेंशन किए गए उनमें से कोई भी सही नहीं है। तो दोस्तों इसके एक्सप्लेनेशन में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? जैसे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अ सॉइल इज सेड टू बी वेल ग्रेडेड वैन इट हैज़ अ गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ऑल साइज, यानी कि फ्रेंड्स एक वेल ग्रेडेड सॉइल जो होगी हम उसको तभी कहेंगे जब उसमें जो ऑल साइज के जो पार्टिकल्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है? जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपका पार्टिकल बड़ा है,
फिर उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है। अगर इस तरीके के ऑल साइज़ के अगर पार्टिकल्स आपके प्रेजेंट हैं तो मैं उसको वेल ग्रेडेड बोलता हूँ। क्यों? वेल मीन्स तो अच्छा होता है, तो वेल अच्छा ग्रेडेड का मतलब क्या है फ्रेंड्स? इन जब अगर सेम साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं तो इनकी बॉन्डिंग जो हो जाती है बहुत अच्छे से हो जाती है, इसलिए हम इसको वेल ग्रेडेड बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है पुअरली ग्रेडेड। उस केस में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम साइज़ के होते हैं, जिसको यूनिफॉर्म भी बोलते हैं हम। यूनिफॉर्म मतलब जो सेम साइज़ के होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे बॉन्डिंग मेरी अच्छे से नहीं हो पाती उन पार्टिकल्स के बीच, इसलिए उसको पुअरली ग्रेडेड मैं कहता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि फॉर कोर्स ग्रेन सोइल द पार्टिकल साइज D10 इज समटाइम्स कॉल, यानी कि जो मेरा कोर्स ग्रेन सोइल होता है, ठीक है, उसके लिए जो D10 होता है उसको मैं क्या कहता हूँ, ठीक है। जो पार्टिकल साइज होता है D10 उसको मैं क्या कहता हूँ? तो ऑप्शन ए कह रहा है इफेक्टिव साइज एंड इफेक्टिव डायामीटर, यूनिफॉर्म डायामीटर, या ऑल ऑफ दी मेंशन, यानी जो दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, या नन ऑफ द मेंशन, यानी कि इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि D10 जो होता है आपका, इसको हम इफेक्टिव साइज़ या फिर इफेक्टिव डायामीटर से भी बोलते हैं पार्टिकल्स का, ठीक है। कई बार हमको पता होता है कि इफेक्टिव साइज़ तो हम बोलते हैं D10 को, ठीक है, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि इफेक्टिव डायामीटर्स भी हम किसको बोलते हैं, D10 को ही बोलते हैं। फ्रेंड्स इसका मतलब क्या होता है D10 का, मैं आपको बता दूँ। इसमें होता है क्या, D10 क्या होता है, हमारा साइज़ होता है, D10 जो होता है वो साइज होता है किसका, पार्टिकल्स का या सीव का, पार्टिकल्स का या सीव का साइज होता है। दोनों का मतलब क्या होता है कि मान लो अगर आपने क्या करा है, 120 सोइल के पार्टिकल्स लिए, ठीक है, 120 सोइल के पार्टिकल्स लिए और उसमें क्या कर गए, 100 जो पार्टिकल्स थे वो रिटेन कर गए और जो 12 पार्टिकल्स थे वो क्या कर गए, नीचे को मतलब पास कर गए, ठीक है। और ये सीव का जो साइज़ था, कुछ भी सीव का साइज़ आप मान लीजिए, जैसे कि मान लो आपका सीव का साइज़ जो था वो 4.75 mm था, ठीक है, 4.75 हमने mm सीव का साइज़ ले लिया। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे हमारे 10% पार्टिकल्स, 120 का जब 10% आप निकालोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। तो 12 पार्टिकल्स क्या कर गए, मेरे पास कर गए। तो जिस सीव से 12 पार्टिकल्स पास कर गए, या फिर मैं ये कह दूँ कि 10% पार्टिकल्स मेरे पास कर गए, तो वो जो सीव का साइज़ होगा वो मेरा D10 हो जाएगा, जिसको मैं इफेक्टिव साइज़ बोलूँगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो D10 हो जाएगा मेरा वो कितना हो जाएगा, जो मैंने एग्जाम्पल लिया उसके अकॉर्डिंग 4.75 mm, ठीक है, बिल्कुल इसका ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो इफेक्टिव साइज़ कितना, या फिर इफेक्टिव डायामीटर, जिसको मैं बोलता हूँ D10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। यहाँ पे भी मैंने एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ इसका, द साइज़ D10 इज़ समटाइम्स कॉल्ड द इफेक्टिव साइज़ और इफेक्टिव डायामीटर, या तो इफेक्टिव डायामीटर बोलेंगे या इफेक्टिव साइज़ बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़ लेते हैं, किस तरीके से हमसे बोल रहा है कि द शेप ऑफ द पार्टिकल्स कर द शेप ऑफ द पार्टिकल साइज कर्व विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द कोफिशियंट ऑफ कर्वेचर CC इज़ गिवन बाय, यानी कि फ्रेंड्स साफ साफ कह रहा है कि जो शेप होती है पार्टिकल्स की वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, कोफिशियंट ऑफ कर्वेचर के द्वारा, जिसको हम CC बोलते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमसे पूछ रहा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो CC का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार डायरेक्ट ही पूछा जाता है, जो जूनियर इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन होते हैं उनमें तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन मेरा पूछा जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है D30 का स्क्वायर अपॉन D10 इंटू D60, ठीक है। तो फ्रेंड D10, D30 और D60 ये वही होंगे जिससे अगर 60% पार्टिकल जिस सीव साइज से मेरे पास कर गए तो वो D60 हो जाएगा, और जिस सीव साइज से मेरे 30% पार्टिकल पास कर गए बाई वेट तो वो D30 हो जाएगा, और D10 मैंने अभी आपको समझाया है, जिससे 10% जो पार्टिकल्स हैं मेरे वो पास कर जाते हैं जिस सीव से, तो वो साइज़ क्या हो जाएगा, मेरा D10 हो जाएगा, ठीक है। इनमें बहुत कन्फ्यूजन होता है फ्रेंड्स, ये होता क्या है, तो अभी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको देखते हुए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि द कोफिशियंट ऑफ कर्वेचर CC इज़ गिवन बाय द इक्वेशन, ये मेरी इक्वेशन है जिसकी हेल्प से, यानी कि फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम पता कर देंगे कि उसका कोफिशियंट ऑफ कर्वेचर कितना है, जो हमें उसके शेप्स के बारे में नॉलेज देता है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म से फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 में, द कोफिशियंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, फ्रेंड्स ये सी भी नहीं है, यहाँ पे CU है, ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लेना। जितने क्वेश्चन होंगे ना फ्रेंड्स एकदम क्वालिटी वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है, आपको उसमें कोई डाउट नहीं होगा कि क्वेश्चन जो हैं वो क्वालिटी वाले नहीं है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है फ्रेंड्स क्वालिटी क्वेश्चन है, तो प्लीज़ वीडियो को सिर्फ लाइक करके और शेयर करके मुझे मोटिवेट करते रहें, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कोफिशियंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी CV इज़ द रेशियो ऑफ, तो कोफिशियंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी फ्रेंड्स CU हमें बताना है क्या होता है। तो CU का जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया था कि CU किसके बारे में बताता है, जो पार्टिकल्स की शेप होती है उसके बारे में बताता है, ठीक है। और सॉरी, हाँ,
जो पार्टिकल का साइज़ होता है उसके बारे में मुझे बताता है, कोफिशेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, और जो कोफिशेंट ऑफ कर्वेचर होता है वो मुझे किसके बारे में बताता है, सेप के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट पे आपको ध्यान रखने। तो यहाँ पे सी यू के फॉर्मूले की हम बात करते हैं, तो जो कितना होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं द कोफिशेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी सी यू है ये, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डी 60 बाई डी 10। यानी कि फ्रेंड्स क्या होगा, डी 60 बाई डी 10 जो पार्टिकल्स होंगे अगर उनका हम रेशियो लेंगे तो उसकी हेल्प से हमको क्या पता चल जाएगा, कोफिशेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी हमको पता लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है द कर्व सिचुएटेड एट द राइट साइड ऑफ द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है कि अगर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है आपका, ठीक है, तो उस पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में अगर कर्व आपका राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है वो टाइप्स ऑफ सॉइल के लिए पता करने के लिए हम यूज़ करते हैं कि जो मेरी सॉइल है वो फाइन ग्रेन सॉइल है या कोर्स ग्रेन सॉइल है। तो यहाँ पे अगर मैं mm में पार्टिकल्स का डाया ले लेता हूँ, इधर बाई परसेंटेज कितने फाइनर पार्टिकल्स हैं वो ले लेता हूँ, तो जो मेरा इधर होता है राइट साइड में जो क्या होगा, मेरा यहाँ पे जो कर्व मेरा सिचुएटेड होगा किस साइड में, राइट साइड में, और जो लेफ्ट साइड में सिचुएटेड होगा मेरा, ठीक है, उन दोनों कर्व में क्या होता है फ्रेंड्स, वो कोर्स ग्रेन सॉइल को बताता है। किसको बताता है, मेरा कोर्स ग्रेन सॉइल को बताता है जो राइट साइड में होगा, और जो मेरा किस साइड में होगा, लेफ्ट साइड में होगा, वो किसको बताएगा, फाइन ग्रेन सॉइल को बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, द राइट साइड ऑफ द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व शोज द कोर्स ग्रेन सॉइल। फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है जो राइट साइड में होगा वो आपका किसको बताएगा, कोर्स ग्रेन सॉइल को बताएगा, वाइल इन लेफ्ट जो लेफ्ट में होगा वो किसको शो करेगा आपको, फाइन ग्रेन सॉइल को। यहाँ से फ्रेंड्स ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपका पूछा जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व उसके बारे में आपको बताना चाहिए, लेफ्ट राइट साइड अगर कर्व मतलब शिफ्ट हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोर्स ग्रेन सॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर वो आपका लेफ्ट साइड में चला गया तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइन ग्रेन सॉइल को। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शन फ्रेंड्स सेम टाइप हो गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है ए या सी भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट ए के एग्जाम में बनता है। ठीक है, जो आपका ए का एग्जाम होता है वहाँ पे ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछा जाता है, क्योंकि जेई में तो इतना टाइम होता नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन सिंपल है। व्हाट इज़ द टाइम ऑफ सेटलमेंट ऑफ कोर्स पार्टिकल्स ऑफ अ सॉइल सैंपल ऑफ डायमीटर। यानी फ्रेंड्स हमसे कह रहा है कि कितना टाइम पार्टिकल्स को सेटल होने में लगेगा यदि पार्टिकल्स का डाया कितना है, 0.5 है। ठीक है, और यहाँ पे टेक हमको दिया हुआ है, ये फ्रेंड्स वी है, वाई टाइप हो गया, वी है, वी इज इक्वल टू कितना है, 0.905 डी स्क्वायर। ठीक है, ये हमको किसकी इक्वेशन दे रखी है, वेलोसिटी की। ठीक है, तो वेलोसिटी की हमको इक्वेशन दे रखी है, और हमसे कह रहा है कि हाइट ऑफ वाटर टैंक, जो हाइट ऑफ वाटर टैंक है वो कितना हमको दे रखा है, 5 मीटर हमको दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर टाइम हमको बताना है, तो फ्रेंड्स हमको पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ऐसे टाइम अगर हम निकालेंगे तो टाइम की इक्वेशन यहाँ से कितनी हो जाएगी, टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो हाइट होगी उसकी अपन वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हाइट हमको दे रखी है, हाइट कितनी दे रखी है टैंक की, 5 मीटर। ठीक है, तो वेलोसिटी हमको निकालनी है, तो वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलोसिटी निकालने के लिए हमको इक्वेशन दे रखी और डी की वैल्यू हमको दे रखी है 0.5। तो जब हम डी की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 0.5 और उसका स्क्वायर करके जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे कोफिशिएंट से, तो हमको वी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, 0.2263 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और साथ ही हमको क्या पता है, मैंने भी आपको फॉर्मूला बताया था टाइम का, हाइट अपन वेलोसिटी हो जाएगा, तो हाइट कितनी दे रखी है उसकी, 5, वेलोसिटी हमको ये दे रखी है, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 22.1 सेकेंड जो आ जाएगी हमारा टाइम्स लगेगा उन पार्टिकल्स को सेटल होने में जिनका साइज जो है वो 0.5 है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथ ही दोस्तों मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ कि अगर आप इसकी PDF अगर चाहते हैं तो PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को कैसे ज्वाइन करना है मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा, जिससे आप वहाँ से जितने भी मेरी PDFs हैं वो सारी वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि एक जो सीरीज़ चल रही है हमारी वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की चल रही है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। वहाँ से जितने हम थ्योरी में उन क्वेश्चंस को इतना डिटेल्स में हम पढ़ने की, जितने भी उसके आसपास के क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर हो जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, अ कर्व विद अ फ्लैट पोर्शन इन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व रिप्रेजेंट। फ्रेंड्स यहाँ पे अभी तक मैंने आपको सिर्फ दो ही चीज़ें बताई थी कि अगर आपका जो कर्व है वो किस तरीके का स्टीप है, अगर कर्व आपका क्या है, स्टीप है, बिल्कुल स्टीप कर्व है, तो वो किस चीज़ को बताएगा, आपका पुअरली ग्रेड सॉइल है।
ठीक है, वहीं पे अगर आपका कर्व क्या है, इंक्लाइंड है, तो कर्व अगर आपका इंक्लाइंड है तो वो किसको बताएगा, वेल ग्रेडेड सोइल को बताएगा, ठीक है। लेकिन मैंने अभी आपको फ्लैट कर्व के बारे में नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कर्व अगर फ्लैट है, तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, अगर कर्व आपका फ्लैट है तो उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं, गैप ग्रेडेड सोइल बोलते हैं, गैप ग्रेडेड सोइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फ्रेंड्स, इंटरव्यू में खास तौर से पूछा जाता है कि गैप ग्रेडेड सोइल बताइए क्या होती है। तो आपको ध्यान रखना, जब भी मेरा क्या होगा, कर्व जो होगा फ्लैट होगा, तो वो किसको इंडिकेट करेगा, गैप ग्रेडेड सोइल को इंडिकेट करेगा। और गैप ग्रेडेड सोइल का जो मतलब होता है वो ये होता है कि उसमें जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं, कुछ साइज़ के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मिसिंग होते हैं। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि इंटरमीडिएट साइज पार्टिकल्स आर मिसिंग, उसमें कुछ साइज़ के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, मिस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं, सही जो होगा कि आ कर्व विद अ फ्लैट पोर्शन, ठीक है, रिप्रेजेंट्स ऑयल इन विच इंटरमीडिएट साइज पार्टिकल्स आर मिसिंग, उसमें जो पार्टिकल्स होंगे आपके मिसिंग होंगे फ्लैट पोर्शन वाले कर्व में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट हमसे क्या कह रहा है, द डी टेन रिप्रेजेंट अ साइज सच दैट डैश ऑफ द पार्टिकल्स आर फाइनर देन द साइज। तो फ्रेंड्स इसका तो सही आंसर आप लगा ही सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा कि डी टेन का मतलब होता है कि 10% जो पार्टिकल्स हैं वो फाइनर हैं, ठीक है। हाँ भाई, मैंने इसका एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझाई दिया है पीछे, कि द डी टेन रिप्रेजेंट्स अ साइज इन mm सच दैट 10% ऑफ द पार्टिकल्स इज़ फाइनर देन डी टेन साइज, यानी कि उस पार्टिकल्स उस सीव के साइज से जो 10% पार्टिकल्स होंगे वो फाइनर होंगे। फ्रेंड्स ये जो वीडियो है ना आपको सीरीज में देखनी है, ठीक है। तो वैसे तो मैं टॉपिक वाइज ही करा रहा हूँ, पहले टॉपिक्स को थोड़ा सा हम पढ़ते हैं फिर उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं, फिर भी आपको जो वीडियो देखनी है वो सीरीज में देखनी है, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट इस तरीके से आपको वीडियो देखनी, तो समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है, द शेप ऑफ द पार्टिकल साइज कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाई, यानी कि हमको शेप के बारे में पूछ रहा है फ्रेंड, जो शेप होती है पार्टिकल्स की वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया था आपको फ्रेंड्स, जो कोफिशेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होता है वो किसके बारे में बताता है, पार्टिकल्स के साइज़ के बारे में बताता है कि पार्टिकल्स का साइज़ क्या है आपका, और जो कोफिशेंट ऑफ कर्वेचर होता है वो किसके बारे में बताता है, आपको शेप के बारे में बताता है, ठीक है। दोनों सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स, टॉपिक पढ़ने से हमें यही थोड़ी आसानी हो जाती है कि जब हम टॉपिक का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं ना, तो क्वेश्चन लगाने में बहुत आसानी हो जाती है, और ये पता लग जाता है कि क्वेश्चन जो है किस टॉपिक्स के हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा, कोफिशेंट ऑफ कर्वेचर जो होता है वो हमें शेप्स के बारे में बताता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि कोफिशेंट ऑफ द कर्वेचर सी सी रिप्रेजेंटेड द शेप ऑफ द पार्टिकल साइज, और गिवन बाई सी सी का फॉर्मूला पहले ही मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो होगा फ्रेंड्स इसका जो फॉर्मूला होगा आपका सी सी का वो क्या हो जाएगा, डी 30 का स्क्वायर बाई डी 10 इंटू डी 60, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये इसका बिल्कुल सही फार्मूला होगा, यहाँ पे फार्मूला जो है वो गलत प्रिंट हो गया है तो इसको आप नहीं देखेंगे, सही फार्मूला मैंने पीछे आपको बता दिया, एक बार फिर लिख देता हूँ, डी 30 का स्क्वायर अपॉन डी 10 इंटू डी 60, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा, द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व गिव्स द एन आइडिया अबाउट, तो फ्रेंड जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, या फिर मैंने आपका इसका दूसरा नाम बताया था ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, वो किसके बारे में बताता है आपको, टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में। मैंने पहले ही आपको डिफाइन कर दिया था टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में बताता है कि वो फाइन ग्रेन सॉइल है या कोर्स ग्रेन सॉइल है, ठीक है। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कि अ पार्टिकल साइज कर्व शोज बोथ टाइप्स ऑफ ग्रेडेशन ऑफ द सोइल, यानी कि दोनों टाइप्स के हम क्या क्या बताता है, टाइप्स और ग्रेडेशन दोनों तरीके से हमको डिफाइन करता है कि किस टाइप की और किस ग्रेड की, वेल ग्रेडेड है पुअरली ग्रेडेड है, टाइप्स भी बताता है कि फाइन ग्रेन सोइल है या कोर्स ग्रेन सोइल है, तो दोनों चीज़ों को बताता है कि जो पार्टिकल साइज या ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि PDF आपको कैसे मिलेगी, तो वो एक मिनट आप देख लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आप PDF चाहते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, VIP एडवांस टैग @32, जब आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो वहाँ पे चैनल आ जाएगा हमारा। और फ्रेंड्स MCQ के लिए आप फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, जो हमारा VIP एडवांस टैग का जो फेसबुक पेज है वहाँ पर मैं MCQ क्वेश्चन आपको डालता रहता हूँ जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। और साथ ही फ्रेंड्स हमारे इस चैनल पे क्या है, जो लाइव क्लासेज हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, सिविल इंजीनियरिंग की क्लासेज हमारी चल रही हैं, और जनरल अवेयरनेस है फ्रेंड्स, ठीक है, जनरल अवेयरनेस की क्लासेज फ्रेंड्स, जिसमें मैंने क्या करे हैं, जो लूसेंट के 1000 क्वेश्चन हैं ना फ्रेंड्स, जो टॉप 1000 क्वेश्चन हैं, जो यहाँ से क्वेश्चन बार बार डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं वो मैं करा चुका हूँ, तो आप वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग।
दिस वीडियो और इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच।